134 ए के तहत बच्चों का एडमिशन करवाने के मकसद को लेकर सोमवार को काफी अभिभावकों ने सोनीपत में जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर बच्चों का एडमिशन करवाने का निवेदन किया। आरोप लगा कि प्राइवेट स्कूल सरकार के आदेशों के बावजूद भी नियमों का पालन नहीं कर रहे। आप देख सकते हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सोनीपत के समक्ष यह अभिभावक अपने बच्चों की शिक्षा को लेकर चिंतित है और 134 ए के तहत बच्चों का एडमिशन जब प्राइवेट स्कूलों में नहीं हो रहा है तब इस नियम को लागू करवाने की मांग को लेकर यहां धरना प्रदर्शन देते हुए नारेबाजी कर रहे हैं। बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि उनके बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है क्योंकि वह समय पर शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। जिला शिक्षा अधिकारी को भी लिखित रूप से ज्ञापन सौंप दिया गया है और सरकार से यह मांग की है कि बच्चों का दाखिला कराकर अभिभावकों को राहत दी जाए। आपकी क्या समस्या है? हम आरटीआई मतलब पेरेंट्स हैं। हमने मेरे बेटे का फॉर्म भरा है 25 अप्रैल को पहली क्लास के लिए और स्कूल वाले बड़ी आनाकानी कर रहे, पहले फॉर्म जमा नहीं कर रहे थे, अब फॉर्म जमा हुए हैं तो पहली क्लास का बच्चा नहीं ले रहे। हमने डीओ ऑफिस बीओ ऑफिस हर जगह चक्कर काट लिए हैं लेकिन हमारे बच्चे को स्कूल में नहीं लिया जा रहा। हम बड़े परेशान हैं। आज आप डीओ मैडम के पास आए तो डीओ मैम ने क्या आश्वासन दिया आपको? मेरा नाम परवेश कुमारी, मैं छात्र अभिभावक संघ की उपाध्यक्ष हूँ। जैसे कि सबको पता है कि जो नियम 134 ए का जो रिजल्ट है वो 16 दिसंबर को घोषित हो गया था, उसके बाद बच्चों के एडमिशन नहीं हुए थे। हम लोगों ने कंटेंप्ट भी लगा लिया था, रीट भी डाल दी थी लेकिन हम लोग केस जीतने के बाद भी हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हुए थे। तो आज यहां पे डीओ ने हमें बुलाया है, जो नई डीओ आई है कौशल्या मैम करके, उनका व्यवहार बहुत ही अच्छा है, काफी सराहनीय है कि उन्होंने हमें खुद फोन करके 2-3 दिन पहले बुलाया था कि आप हमें जो पेंडिंग बच्चे हैं उनकी लिस्ट हमें दे जाओ। तो आज हमारे पास जो पेंडिंग बच्चों की लिस्ट थी हमने आज डीओ मैम को दी है और उन्होंने आश्वासन दिया है। सचमुच उनका व्यवहार वाकई में बहुत अच्छा है, कोऑपरेटिव है, क्योंकि जो देखो अधिकारी अच्छा होता है वो अच्छा ही बोला जाएगा। तो कौशल्या मैम अच्छी है, हमें सपोर्ट कर रही है, कोऑपरेट कर रही है, तो हमें आश्वासन दिया कि हम इन बच्चों का इन छुट्टियों के अंदर एडमिशन करवाएंगे। और जैसे कि अब लग रहा है कि प्रशासन भी सख्ताई में है एडमिशन को लेकर 134 ए के, क्योंकि गुड़गांव में बहुत बड़े स्कूल ने 134 ए के बच्चों का एडमिशन लिया है। तो देखते हैं अभी सोनीपत भी क्या गुड़गांव की तरह पर ही बच्चों के एडमिशन लेगा। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।